चाहे सारे ही ऑफलाइन आए, कम से कम रिकॉर्डिंग्स तो हो जाएंगी, कि वो ही देखनी हो तो वो भी सही ऑप्शन है। हाँ जी बच्चों, दिख रहा है सबको बोर्ड? आज स्टेज वन वालों ने पार्टी नहीं देनी थी, इनका एनटीएससी स्टेज वन क्लियर हुए है तो ऑब्वियस है। चलो अगली क्लास में कर लो प्लान, कहाँ कहाँ बैठे हैं। सुहानी, सुहानी को तो एक मैंने भी देनी है, मुझे याद है। कहाँ कहाँ बैठे हो बच्चों, दिखाना। सुहानी, ईशा, दर्शवीर, कैसे घबरा के हाथ ऊपर गए ना, जैसे जैसे ये पूछा हो किसने होमवर्क नहीं किया, बिल्कुल वैसे वाला रिएक्शन है। कर लो भाई प्लान, पार्टी चाहिए हमें सबको। ओके, क्या काम कर रहे थे बच्चों, कहाँ थे हम? रिवर। अच्छा, होमवर्क तो कोई था नहीं, ऐसा रिवाइज ही करना था, है ना? कर लो। हाँ ठीक है। वैसे आज आए हैं सारे बच्चे तुम्हारे बैच से? अच्छा, कौन सा था? रिपोर्ट किया हुआ है? कौन सा था? तो मिस ना हो जाए मेरे से। देखो ये वाला था क्या? क्या क्या आंसर है इसका? दोनों सेम है। ठीक है जी, हमने रिवर प्रॉब्लम्स करनी थी बच्चों। ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया था बिल्कुल कैसे किया था हमने? ठीक है, मेन बात जो इसमें समझने वाली है ना, वो ये है कि देखो, एरोप्लेन अपनी तरफ से ऐसे पॉइंट कर रहा है, वो अपनी तरफ से इधर जा रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, हवा उसको धक्का मार रही है, वो उसको ऊपर जाने नहीं दे रही, तो उस कारण से क्या हो रहा है, वो जा ऐसे ही रहा, समझ गए ना? ओके, दूसरा जो देखा ऑन हमने अभी रिवर प्रॉब्लम को स्टार्ट तो नहीं की थी ना। अच्छा, टेस्ट कैसे हुआ वैसे आपका? टाइम तो मेरी आप में से ना किसी के पेरेंट्स से बात हो रही थी, मतलब उन्होंने मुझे बताया कि आप एडवांस वाले टेस्ट में भी इस तरह से टारगेट कर रहे हो कि भाई हाँ जी 100% पेपर होना चाहिए था, और फिर मतलब मान लो नहीं हुआ तो आप थोड़े से परेशान हुए। तो प्लीज, मैंने आपको बताया था ना कि एडवांस टेस्ट में तो कभी ये टारगेट होता ही नहीं है, इट इज ऑलवेज अबाउट चूजिंग द इजी क्वेश्चंस, है ना? सारे क्वेश्चंस कभी नहीं करने होते एडवांस वाले टेस्ट। तो ऐसे ही मतलब ऐसी गलत एक्सपेक्टेशन रखोगे तो फिर वो खराब ही होगा पेपर। ओके, तो अब बच्चों हम ये रिवर प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। सिचुएशन इज लाइक दिस, एक रिवर है, वैसे वेलोसिटी वी से मूव कर रही है टुवर्ड्स राइट,
एक स्विमर है वो पॉइंट ए से स्टार्ट करता है बच्चों, ठीक है, एंड जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं जो उसके एफर्ट वाली वेलोसिटी है दैट इज यू, ठीक है, स्विमर जो खुद के एफर्ट से स्विम कर सकता है वो यू वेलोसिटी है। तो लेट अस से स्विमर अपने एफर्ट से ये एंगल थीटा पे स्विम करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम सोचें बच्चों, मान लो ये रिवर नहीं फ्लो कर रही होती तो क्या होता, सीधा ऐसे चला जाता। अब क्योंकि रिवर फ्लो कर रही है तो क्या होगा, वो सीधा ऐसे नहीं जा पाएगा, डेफिनेटली रिवर के कारण वो आगे को जाएगा, है ना। एंड हम सारा कुछ किस फ्रेम से देख रहे हैं, अर्थ फ्रेम से देख रहे हैं ना, हम अर्थ फ्रेम से देख रहे हैं, उसके हिसाब से हम सारा कुछ सॉल्व करते हैं, राइट। ओके, तो ये थी उसकी इंटेंडेड डायरेक्शन, है ना, जिधर को वो पॉइंट कर रहा था। और इसके मैं बच्चों कंपोनेंट्स ले लेता हूं, इधर को हो गया यू कॉस थीटा, ऊपर को हो गया यू साइन थीटा। ओके, तो बच्चों व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, यू साइन थीटा ऊपर को एंड यू कॉस थीटा आगे को, यही वाली है ना बच्चों। किसी को कोई डाउट कि ये रिवर फ्रेम में है या अर्थ फ्रेम में है या क्या है, अर्थ फ्रेम वाली है। What is velocity of river? वो तो सिंपली towards the right v o v। तो यहां से बच्चों निकालो velocity of swimmer के क्या बन गई, अर्थ फ्रेम में। लिख लिया है ना, क्या करोगे, इसको लिख दोगे एस वी एस माइनस वी आर। तो मैं ना जान के बच्चों एक्स वाई नहीं यूज कर रहा, ताकि हम सीधा वेक्टर्स यूज करें, हर बार एक्स वाई यूज करना थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे अभी तो ऐसे दिखाई हुई है रिवर, किसी क्वेश्चन में ऐसे भी दिखाई हो सकती है, तो जरूरत ही नहीं है, सीधा ही वेक्टर्स के साथ कर देते हैं। तो हम देख सकते हैं बच्चों की जो ये बन गई वेलोसिटी, एक्स डायरेक्शन में बच्चों यू कॉस थीटा प्लस वी बन गई, है ना। ये लॉजिकली भी सोचे हम तो बस 2D में हो गया, है ना, कि भाई इसकी वेलोसिटी इस वेलोसिटी से इधर का एफर्ट कर रहा है, इस वेलोसिटी से इधर को कर रहा है, वी से तो रिवर जा ही रही है, तो उसकी नेट वेलोसिटी कितनी हो गई भाई। एक्स डायरेक्शन में ये हो जाएगी, वाई में तो सेम ही रहेगी, वाई में तो हमने कुछ किया ही नहीं रिवर ने, है ना। ठीक है, ये आगे बस स्विमर की हमारे पास अर्थ फ्रेम वेलोसिटी आ गई, उसने यहां से मूव करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये बच्चों रिवर की विड्थ हमें गिवन है, ठीक है जी। तो भैया अब
आपको याद होगा मैंने आपको बताया था ना कि प्रोजेक्टाइल में जैसे हम बात कर रहे थे कि अब सिचुएशन आपको दे दी जाएगी, आपको खुद से ये सोचना है कि उसके करेस्पॉन्डिंग एक्स में इक्वेशन लगानी है या वाई में इक्वेशन लगानी है ना। अब आगे मैं आपको वैसे ही दूंगा, मेन पार्ट तो ये था आइडेंटिफाई करना कि भाई स्विमर नेट किसे मूव कर रहा है, ठीक है। अच्छा बच्चा आप ये भी समझ रहे हो कि क्योंकि मैंने ऐसे दिखाया था इसलिए ये प्लस है, अगर मैं इसको इधर को दिखा देता ऐसे माइनस साइन आ जाता है ना, तो ठीक है। नाउ गिव यू सम बिल्कुल वैसे ही चल रहा है ना कि शुरू में हमने निकाल लिया, अब हम एक्स वाई में सेपरेट करके लिखते रहे। अभी फॉर द टाइमिंग कन्वीनियंस के लिए लेना भी है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है कि हम इधर को एक्स ले लें और इधर को वाई बोल दें, ताकि सोचने में आसान हो जाएगा कि किस डायरेक्शन में इक्वेशन हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे पहली चीज जो हम निकालेंगे बच्चों वो है टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। सारे ध्यान से सोच के ये वैल्यू निकालो, भाई टाइम निकालने के लिए बताओ किस डायरेक्शन में इक्वेशन लगेगी, एक्स या वाई? वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कुछ है नहीं, काम तो सीधा कॉन्स्टेंट वेलोसिटी में ही हो रहा सारा कुछ, तो वाई डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट क्या है? डी वेलोसिटी क्या होगा? यू साइन थीटा। तो ये अपना आंसर निकल आया। क्या आप ये देख सकते हो कि इस टाइम में रिवर का कोई रोल नहीं है? क्यों? रिवर तो वैसे भी आगे लेके जा रही है ना, रिवर तो उसको ऊपर उसके परपेंडिकुलर मूव करवाने में तो वैसे भी कोई रोल नहीं है रिवर का, है ना। यहां से बच्चों हम एक और बात भी समझ सकते हैं कि बताओ मान लो यू कांस्टेंट है कि मैन अपना एफर्ट तो उसका जितना मैक्सिमम है उसको लगा रहा है, तो टाइम मिनिमम कब आएगा? इस एक्सप्रेशन से अगर हम देखें तो थीटा क्या रखें? 90। थीटा 90 रखने का मतलब क्या होगा? ये ध्यान से सोचो, मतलब मुझे ये बताओ कि क्या थीटा 90 रखने पे ये ऐसे चला गया? उसने अपना सारा एफर्ट उधर को लगाया, रिवर उसको आगे को तो लेके जाएंगे, वो नहीं रोक सकता, बट हाँ उसने अपना सारा एफर्ट ऊपर जाने दिया। मतलब बेसिकली अब देखो पेन को देखो, ये स्विमर है, अब वो खुद अपनी तरफ से इधर को जा रहा है, तो मतलब वो ऐसे जा रहा है, समझ गए? रिवर के कारण आगे तो जाएगा बट वो अपनी तरफ से ऐसे ऊपर देखते ही जा रहा है,
क्या बात की है रोहित सबको? हमने थीटा 90 किया है, अगर थीटा 90 किया है तो भी स्विमर की एक्स डायरेक्शन में तो वेलोसिटी है ना, तो एक्स की वेलोसिटी हमने जीरो तो नहीं कर दी, ये बात समझ रहे हो? तो ये बहुत ध्यान रखना। नहीं वही समझना आपको, बिल्कुल पहुंचे दो लेवर की, आप जितनी मर्जी कर दो 1 करोड़ कर दो उसका तो यहाँ पे यूज ही नहीं आया ना। जितना समझो ध्यान से, जितना रिवर की वेलोसिटी हम ज्यादा करेंगे उससे होगा क्या, उससे मैन और ज्यादा राइट को जा रहा हो राइट, लेकिन ऊपर जाने का जो टाइम है वो सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है ठीक है। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं, हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पढ़ा था। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में मान लो मैंने एक प्रोजेक्टाइल को, आई थिंक हमने एग्जांपल दिया भी था, एक प्रोजेक्टाइल को बहुत धीरे से फायर किया वो ऐसे गिर जाएगा, एक को थोड़ा फास्ट किया वो ऐसे गिरेगा, और फास्ट कर दिया ऐसे गिरेगा, टाइम सबका सेम है, सेम ही है ना, फर्क नहीं पड़ा ना, बिल्कुल वही चीज यहाँ पे। अंडरस्टूड? तो ये केस सबको समझ आ गया, टाइम इज मिनिमम व्हेन थीटा इज 90। नेक्स्ट बच्चों हम क्वांटिटी निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। इसका क्या मीनिंग है ध्यान से सुनो बच्चों, ड्रिफ्ट का मतलब है जो मैन जहां जाना चाहता था, मैन ने अपनी तरफ से, इस फिगर में देखते हैं, मैन ने अपनी तरफ से निशाना बनाया था बी का, लेकिन हमें पता है क्या वो बी पे जा पा रहा है, वो रिवर के कारण या लेट से इफेक्टिवली कुछ ऐसे वो सी पे पहुंच गया, तो वो अपनी इंटेंडेड पोजीशन से जितना आगे को बढ़ गया उसको हम कहते हैं एज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। इसको बस ये समझना है कि मैंने ये नहीं बोला कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल बोलेंगे फिर वो तो यहां से यहां सारी हो, वो नहीं, जहां वो जाना चाहता था उधर से हॉरिजॉन्टल, मतलब उसकी एक्स्ट्रा कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, समझिए बात बच्चों, बीसी। तो ड्रिफ्ट की हम डेफिनेशन कहेंगे एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट From the intended position. बच्चों मुझे ध्यान से कैलकुलेट करके बताओ कि ड्रिफ्ट क्या है, जो कि हमें दिख रहा था उस फिगर में कि बीसी है।
देखो जो इसको हम दो तरीके से निकालते हैं. वन वे इज इस पॉइंट को बोल देते हैं डी. क्या मैं कह सकता हूं कि ड्रिफ्ट इज सी डी माइनस डी डी? यस सर. व्हाट इज सी डी? सी डी इज द टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट of the swimmer. What will be this total horizontal displacement? जो उसकी horizontal direction में velocity है into time. Time हमने ऊपर निकाल लिया है minus bd. ऊपर से देखो bd क्या है. If this is theta, ऊपर वाला angle भी theta हो गया. Is bd equal to d? कौन सा बन जाएगा? tan cot cot theta बन गया. ये वाले ट्रायंगल में तो BD है, ये D है perpendicular base of D cot theta. इसको करना जरा सिंपलीफाई फटाफट. क्या आता है देखो, तो अगर आप देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो कट रही है इसका कोई शॉर्टकट? वो डेफिनेशन ही खुद बता रही है कि भाई रिवर ने कितना एक्स्ट्रा मूव करवाया. रिवर कितना एक्स्ट्रा मूव करवाएगी? रिवर की वेलोसिटी इनटू टाइम, इजंट इट? रिवर की वेलोसिटी इनटू टाइम. क्या सबको समझ आ रहा है? यस. तो अगर कभी क्वेश्चन में पूछा जाए तो भी वेरी केयरफुल अबाउट कि आपको क्या पूछा है. मतलब आपको एक्स्ट्रा वाला पूछा है या टोटल पूछा है? टोटल तो ये वाला है, एक्स्ट्रा ये. नेक्स्ट बच्चों हम निकालेंगे
वैसे भी कह सकता हूँ मैं कि कंडीशन फॉर जीरो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो बहुत ऑब्वियस है, मतलब जो हमने पार्ट्स लिखे हैं उससे सीधा ही आ जाएगा। क्या कंडीशन होगी? वेरी ऑब्वियस, जीरो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है तो एक्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जीरो होना पड़ेगा। मतलब अगर एक्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जीरो करना है, इसका मतलब यू कॉस थीटा प्लस वी इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से आ गया आपके पास कॉस थीटा इक्वल टू माइनस वी बाई यू, राइट? माइनस का क्या मतलब हो? या चलो इस पैसे बोल देता हूँ मैं, हाँ, कि थीटा इज कॉस इनवर्स ऑफ माइनस वी बाय यू। और इसको आप बच्चों मतलब मैथ्स से सीखोगे कि आई कैन राइट इट एज पाई माइनस कॉस इनवर्स वी बाय। मतलब ये कैसे आया आप सोचो, हम क्या कहते हैं, व्हाट इज कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, और इसी का था शुरू में माइनस कॉस थीटा, बस उसी चीज को लिखा है क्या, उसको उल्टा करके लिख दिया इनवर्स फॉर्म में। अब देखो बिल्कुल लॉजिकली सोचो, अगर कॉस थीटा नेगेटिव है इसका मतलब थीटा ऑब्ट्यूस है ना, यस, बस उतना भी अगर हमें क्लियर होता है तो कॉस है। और अगर हम फिजिकली भी सोचें तो भी हमें ये बात क्लियर हो रही है कि इस सिचुएशन में ऐसा कैसे पॉसिबल होगा कि वो यहाँ पहुंच जाए, अगर वो इधर को जाएगा है ना, अगर वो अपना एफर्ट इधर को करेगा फिर क्या होगा, फिर कैसी कंडीशन बनाए, क्या करे कि अगर ऐसा हो जाए तो सोचो कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिवर वाली वेलोसिटी को मैच कर जाए तो फिर क्या हो जाए, माइनस तो इक्वल हो गए, तो उस फिर ये ऐसे आ जाए। तो वंस अगेन अर्थ फ्रेम में हमें कैसे दिख रहा होगा या स्विमर को क्या लग रहा होगा कि वो कहां जा रहा है, ऐसे टेढ़ा, स्विमर अपनी तरफ से तो यहां निशाना बना रहा था, ठीक है, लेकिन अर्थ फ्रेम में हमें वो कैसे आता होगा, क्या बात समझ आई? तो ये ना मैंने आपको जान के इस फॉर्म में लिखवा दिया 180 वाला जो था, क्योंकि अगर तो आपको बेसिकली ये जो एंगल है This is the angle with river flow, है ना? जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है, और वो हम समझ सकते हैं कि ऑब्ट्यूस एंगल है, और जो इसका दूसरा मेथड है, मतलब जस्ट इजी समझने के लिए कि भाई अगर स्विमर अपनी तरफ से इधर को एफर्ट करेगा, ये एंगल फाई है और रिवर की खुद की वेलोसिटी भी है ना, तो नेट एक्स डायरेक्शन की नेट वेलोसिटी जीरो का हो जाएगी, यू कॉस फाई इज इक्वल टू मतलब सीधी सी बात है, अगर तो आप रिवर फ्लो के साथ एंगल लोगे तो वो ऑब्ट्यूस आएगा, अगर आप पहले उसके ऑपोजिट ही ले लोगे फिर क्या होगा, वो ऑब्ट्यूस आएगा। तो ये ना ध्यान रखते हैं, कई बार इनको क्या करते हैं क्वेश्चन में ये लिख देते हैं कि परपेंडिकुलर के साथ एंगल, मतलब फिर वो समझो कि 90 माइनस 5 करते हैं, तो ये बहुत ध्यान रखना है, मतलब कंसेप्ट याद रखो, ये फॉर्मूलाज मत याद रखो, मतलब प्रोजेक्टाइल की तरह हमें ये रिवर्स फ्लो के फॉर्मूलाज भी याद रखते हैं। जैसे बच्चों आपको पहले भी कह रहा था, ये क्वेश्चन बाई चांस आज तक कभी नहीं आया कहीं, ठीक है, ये थ्योरी नहीं,
इसमें हमने क्या कुछ नया कुछ पढ़ा है, कुछ फॉर्मूला कोई इक्वेशन नहीं, दिस इज अ प्योर एप्लीकेशन ऑफ 2D एंड रिलेटिव फिलॉसफी। ऐसा तो कोई भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे भी ना तो ये आपके मॉड्यूल में वो जेई बूस्टर में 3B में डाला हुआ है क्वेश्चन पूरे का पूरा। तो कैसे कॉम्प्रिहेंशन में कि आपको सिचुएशन बता दी कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो बाकी तो अब आपने सारा खुद ही रिलेटिव लगा के और एक्स्ट्रा के क्वेश्चंस बना के इसको सॉल्व किया ना। तो इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भाई हम इक्वेशंस कैसे बना रहे हैं रादर देन कि हम ये सोचे कि हमने ये कोई आंसर दिया। ठीक है, ये बात तो सब क्लियर हो गई सबको। इसमें एनीथिंग जो आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है किसी पार्ट में? दूसरी साइड से लिखोगे तो सिर्फ cos phi equal to b by u आएगा, अगर रिवर्स फ्लो के साथ ही लिखोगे तो आपका वो माइनस b by u। और बच्चों यहाँ से आपको एक बात ये समझ आती है कि जब हमने ये एंगल निकाला है कि ये जो cos थीटा आपका v by u आया, तो इससे ये समझ आता है आपको कि इससे ऐसे लग रहा है ना कि सिचुएशन जो है तभी पॉसिबल है yes. तो बच्चों क्या कंडीशन लगाए v और u पे? cos theta के एक्सप्रेशन से देखो v u पे क्या कंडीशन लग रही। v by u लेस देन 1, अगर cos theta है तो उसको 1 से छोटा होना पड़ेगा। तो क्या मैं ऐसे कह दूं कि मैंने इक्वालिटी भी नहीं लगाई, बताओ क्यों? अगर मैं इक्वालिटी भी लगा देता मतलब cos phi को बंद कर देता तो पार्टिकल जीरो हो जाता ना, फिर तो वो ऐसे ही रह जाता। कुछ तो चाहिए ना ऊपर को, तो इसलिए मैंने यहाँ इक्वालिटी नहीं समझे। इसकी क्या सिग्निफिकेंस होता है लॉजिकल डी लेसन मतलब वेवर की स्पीड स्विमर की स्पीड से कम होनी चाहिए, ऐसा क्यों? तभी मतलब मैन पूरा ऊपर जा सकता है, ये इक्वेशन कह रही है इसका फिजिकल सेंस। मतलब भाई मैन अपने एफर्ट से रिवर को फोर्स कर रहा है तभी हम कह रहे हैं कि वो सीधा ऊपर चला रहा है। अगर रिवर की वेलोसिटी उसके एफर्ट से है ही ज्यादा फिर क्या होगा? फिर तो वो चाहे कुछ भी कर ले ना रिवर की वेलोसिटी को वो कैंसिल आउट कर ही नहीं पाएगा, फिर तो डेफिनेटली क्या होगा कुछ ना कुछ डिस्प्लेस होगा ही होगा। It is not possible that you see was one for its perspective. Is this thing clear? Yes. So, इस केस में जनरली बच्चों दो कंडीशंस हम पढ़ते हैं, मतलब एक तो जाता है मिनिमम टाइम वाला पर एक हो जाता है जी। फिर बोलो नहीं v by u तो मैग्नीट्यूड है ना, तो मतलब वन से छोटा माइनस में तो आई नहीं सकती ना रेशियो। वी और यू तो जस्ट मैग्नीट्यूड है,
अच्छा देखना ऐसे रखो या नॉर्मल लाइट मोड ठीक है क्लियर ओके अब बच्चों क्वेश्चन करते हैं अब बच्चों रिवर वी से फ्लो कर रही है मान लो कि ये जो वी है वो यू से बड़ा है इसका क्या मतलब हुआ सीधा ऊपर तो पहुंच ही नहीं सकता है ना चलो ठीक है समर कुछ ट्राई कर रहा है मतलब उसने चलो कुछ एंगल ऐसे रखा थीटा जिससे वो स्विम करने की कोशिश कर रहा है ये तो पक्का है हमें दिख रहा है कि कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगी वो तो हम अवॉइड ही नहीं कर सकते तो हमें ये निकालना है कि फाइंड थीटा और मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट
तो u कांस्टेंट है ना, एफर्ट जो है वो तो फिक्स है, थीटा वेरिएबल है, तो पता है क्या करना है।
क्या करते हैं मैक्सिमम मिनिमम के लिए? तो क्या होगी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट? मान लो उसको मैं कुछ भी एक्स बोल देता हूँ, वो क्या होगी? वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम. व्हाट इज वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन? बी माइनस यू कॉस थीटा. इसमें कोई डाउट? टाइम डी बाय पक्का? क्या करना है इसको? मिनिमाइज करना. तो इसका मतलब इसका डी एक्स बाय डी थीटा जीरो करना. सब देख रहे थे पता नहीं ऑनलाइन ही है, पिटाई हो सकती है. करो इसको डिफरेंशिएट, क्या बनता है? उसको डी डैश कर देख देना ना, तो कहीं मतलब डिफरेंशिएशन वाले डी से उसको मिक्स मत कर देना. तो डी बाय डी थीटा ऑफ ये एक्सप्रेशन ये बचा, इसको डिफरेंशिएट करके जीरो कर दो. अरे क्या बनता है इससे बताओ बड़ा भाई. सीकेंट थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होती है? माइनस कोसेकेंट थीटा कॉट थीटा, राइट? अगला कॉट थीटा की अगला कॉट थीटा बन गया ना. कॉट थीटा की क्या होती है? माइनस कॉट माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा. बच्चों ये सीधा नहीं भी आती कोई दिक्कत नहीं है, डिवीजन रूल लगा दो. मान लो एकदम फॉर्मूला हमें नहीं याद, तो सेकंड थीटा का फॉर थीटा ना, इससे वो डिवीजन वाला रूल तो लगा के नहीं सकते. इसको करो जीरो. बताओ मुझे फटाफट इससे क्या आता है. सारे करो सॉल्व.
आप देख रहे हो बाई चांस उल्टा ही आ गया उसका, जो पहले हमने कंडीशन लगाई थी उसी का उल्टा बन के आ गया। क्या क्या बोला यू बाई बी? आपको बताया था ना, वैसे तो हम चेक कर सकते हैं कैसे, सेकंड डेरिवेटिव लेके देख लो, ठीक है ना। पर जैसे आपको बताया था फिजिक्स में कि वो हमारा एक से कम चल जाता है, वो अपने आप वही आता है, और आप करोगे भी तो वही आएगा। हाँ आप वैसे भी सोच सकते हो कि मैक्सिमा तो इंफिनिटी आ जाए, कैसे अगर वो पूरा ही ऐसे ही चला जाए उसके अलॉन्ग ही, तो जितना मर्जी फॉर एग्जांपल स्पेस कर सकते हो। बट जैसे आपको शॉर्टकट लेकर बता रहा हूं, आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं, कभी मैक्सिमम मिनिमम आता है आप बस सीधा डिफरेंशिएट करके और सही आए। बट ये बच्चों व्हाट मैं सॉल्व कर, ये बताओ क्या मुश्किल था इसमें, किस स्टेप पे? मतलब आई वुड सी कि सबने वो लिख भी लिया था जो एक्स डायरेक्शन वाला, बस उसको फिर देख रहे थे। मैक्सिमम मिनिमम अगर क्वेश्चन में आ गया वो तो अपने आप ही हिंट है कि वैसे डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएट करना है, राइट? मतलब डिफरेंशिएशन ना होती ना फिर भी 1% मान लेता कि जब फॉर्मूला नहीं याद, आपके माइंड में ये स्टेप ही नहीं आ रहा था, तो मैंने हिंट भी दिया इनवर्टिंग कि यू तो कांस्टेंट है, या फिर माइंड में फिर आ जाए कि ठीक है प्लीज कीप दिस इन माइंड। देखो आप फिजिकली आप एक बात समझो, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हम निकालते हैं, इस बात को भी समझ लेते हैं कि ये एंगल कुछ अजीब सा अगर क्यों आया, कुछ एक्सट्रीम क्यों नहीं आया। आप एक बात समझो, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हम निकालते हैं, horizontal displacement kya hai, x direction of velocity into time, time kis pe depend kar raha hai, y direction, to jo x, to ye jo hamara answer hai wo dono pe depend kar raha hai, agar to sirf ek pe depend kar raha hota fir to uska extreme case ban ke aa jata answer, jaise jo wo tha upar jane ka time to seedha theta 90 pe aa gaya kyunki uska link hi nahi tha x ke sath sirf y ke sath, yahan ye jo quantity hai wo dono pe depend kar rahi hai, isliye kya ho उसको मतलब हमें हम सीधा बता ही नहीं सकते, हमें उसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है कि ये जो रिवर की स्पीड है वो वेरिएबल है, ठीक है, रिवर की स्पीड
बाय के साथ चेंज कर रही सम के वी नॉट वाई इसका क्या मतलब हुआ? बिल्कुल स्टार्ट में तो रिवर की स्पीड क्या जीरो
जैसे आदत ऐसी पड़ गई ना, अब ये लगता है कि यार जाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा. वो चीजें पहले तो ऑब्वियस थी, अब ध्यान से करो. हो सकता है, चलो मैं आपको बता देता हूँ. आपको बताया हुआ है कभी ना कभी कि वो कैसे करना है.
टाइम निकाल लिया तुमने? बोलो निकला कि नहीं टाइम? यस क्या आएगा? वही आएगा शुभम, वही आ जाएगा, वही आएगा ऑब्वियसली। क्यों रिवर से फर्क ही नहीं पड़ रहा ना? रिवर का जो मर्जी होता है, रिवर का तो रोल ही नहीं है ना क्रॉस कराने का, उसको यू साइन थीटा ने क्रॉस करा है, तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं। दूसरा पार्ट का मैं सोच रहा हूं डी वो तो ये तो डी वेरिएबल है, मतलब आप इसको अगर देख भी लोगे ऐसे डी नॉट बाय डी, ये आपने कुछ फिक्स आंसर निकाल दिया, तो आपने वेरिएबल से छोड़ दिया। अगला पार्ट सोचो, नहीं तो अगला पार्ट का सब पूरा सॉल्व हो जाता है, फाइनल आंसर आ जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि इक्वेशन बनते रह जाए, कुछ पूरा आंसर आ जाता है। तो थोड़ा है अजीब सा आंसर, सॉल्व तो हो गया। थीटा कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, यस। इंटीग्रेशन है बच्चों, चलो मैं ये भी हिंट दे रहा हूं, आंसर देखो, सोचो कि मैं इंटीग्रेशन कैसे करनी है और मुझे कैसे पता चल रहा है कि इंटीग्रेशन है, तो वेरिएबल हो गया। मतलब अगर इंटीग्रेशन नहीं भी होती एक्सप्रेशन तो सही बना के दिखाऊंगा।
क्वेश्चन का जो करेंगे ना वो प्लेटफॉर्म वाला सॉफ्टवेयर डायरेक्शन का अच्छा क्या आता है उसका बाद में बताता हूं वही आ रहा था ओके चलो फिर ये है ना 1492 का क्या था तो तब ध्यान रखना वो कि मतलब ऐसे जाके ऐसे तो पहले आपको मैक्सिमम हाइट फिर कितना नीचे आया वो निकाल के सॉल्व चलो ठीक है बच्चों इसको ट्राई करना फिर क्वेश्चन को जो भी मतलब एक्सप्रेशन बनाओ हो सकता है बॉल होता हो सकता है ना होता हो अगर आपको लगता है नीचे बॉल होता हो तो एक्सप्रेशन बना के छोड़ दो ना इसके पर्दा नहीं कर सकते स्टेप्स को ठीक बनाए हैं करना ट्राई बच्चों शाम से ठीक है ठीक है फिर आई चांस को टर्म में सही मुझे पता है ऐसा सही लगता है चलो ठीक है बच्चों ओके देन अच्छा अब अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया उनको नेक्स्ट क्लास हम भी नया चैप्टर शुरू करते हैं इसका सारा कुछ एक्सरसाइज थ्योरी वगैरह कंप्लीट करके शुरू करते हैं हम मतलब नेक्स्ट मंडे डिस्कस करेंगे